अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर उमर एंड आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग। बहुत सारे कोलीग्स ने एक क्वेश्चन किया कि हमें बताएं कि कैसे हम अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करें। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज सोचा कि इस पर इंशाल्लाह बात की जाए और आपको बताया जाए कि एक रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए किन किन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है। आपको रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले भी रिसर्च की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि बेसिकली रिसर्च है क्या, रिसर्च की टाइप्स क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है। तो इन सब चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है। इनके बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी शॉर्ट बुक्स मिल जाएंगी जिनके ऊपर जिनको पढ़ के आप बेसिक नॉलेज इसका गेन कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रिसर्च है मेडिकल फील्ड के अंदर, वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट बेस्ड है कि आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है जिसको आपको पूरा करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए, डिसर्टेशन चाहिए, या आपने आर्टिकल्स पब्लिश कराने हैं, या फिर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, जॉब की प्रमोशन के लिए आपको रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए। तो आज की ये वीडियो बेसिकली हमारे मेडिकल रेजिडेंट्स के लिए है और यंग कंसल्टेंट्स के लिए है जिनको अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले करनी है, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर आप अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम कर रहे हैं या आप सीपीएसपी के अंडर, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान के अंडर अपना रेजिडेंसी कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रिसर्च के मुतालिक क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको जानना इंतहाई ज़रूरी है। उसको जाने बगैर आप अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर सकते। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और या कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि उन्होंने रिसर्च के लिए क्या रूल्स सेट किए हुए हैं। जब भी आप अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने एक ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने सिलेक्ट करना है। ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट से क्या मुराद है, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे दूंगा कि आप अगर मेडिसिन की फील्ड में है तो आपका ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कि या आप डायबिटीज से मुतलिक रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप हाइपरटेंशन से मुतलिक रिसर्च करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप अगर सर्जरी की फील्ड में आ जाते हैं तो आप जीआईटी डिजीजेस के ऊपर अपना रिसर्च करना चाह रहे हैं, ये हेपेटोबिलरी के अंदर करना चाह रहे हैं, न्यूनेटल सर्जरी के अंदर अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो ये एक आपका ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जब आप ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना सोच लेंगे तो उसके बाद उस ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आपने नैरो डाउन करते जाना है। नैरो डाउन आप कैसे करेंगे कि जैसे मैंने आपको मेडिसिन में मिसाल दी कि आप डायबिटीज या हाइपरटेंशन ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने चूज किया, तो आप डायबिटीज के उसमें आप इसको नैरो डाउन इस तरह करेंगे कि आप डिफरेंट डायबिटिक नेफ्रोपैथी के ऊपर करना चाह रहे हैं, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी के ऊपर करना चाह रहे हैं, या उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर डायबिटीज की ट्रीटमेंट के अंदर दो ट्रीटमेंट को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, इंसुलिन और ओरल को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से अपने ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नैरो डाउन करते जाएंगे। इसी तरह अगर आपकी सर्जरी की फील्ड है तो सर्जरी में आपने जीआईटी डिजीज को अगर किया तो आपने अपना उस ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को नैरो डाउन करते हुए जीआईटी में आप इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के ऊपर जा रहे हैं, अपेंडिसाइटिस के ऊपर आपने स्टडी करनी है, तो इस तरह से आप उसको नैरो करते जाएंगे। हेपेटोबिलरी में आप कोलीलिथियासिस के ऊपर, कोलीसिस्टेक्टमी के ऊपर करना चाह रहे हैं, कोलीसिस्टाइटिस के ऊपर करना चाह रहे हैं, बिलरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर करना चाह रहे हैं, कोलीडोकोलिथियासिस के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से एक ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पहले आप स्पेसिफाई कर लेंगे और फिर उसमें से आप उसको नैरो डाउन करते हुए जाएंगे। और इसके साथ साथ जब आप नैरो डाउन स्पेसिफिक एक चीज के ऊपर आ जाएंगे तो उस स्पेसिफिक डिजीज के बारे में फिर आपने लिटरेचर को सर्च करना है। लिटरेचर सर्च के ऊपर मेरे एक कंप्लीट मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और उसकी मदद से आपने उस डिजीज के मुतालिक आपने रेलिवेंट आर्टिकल्स को नेट से सर्च कर लेना है और उनको पढ़ना है। अब उसको पढ़ने का भी एक आपने शुरू में आप आर्टिकल्स को स्किम करेंगे, उसमें आप इनिशियल उसके एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे सारा, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन का पोर्शन पढ़ लेंगे और कंक्लूजन पढ़ लेंगे। जब आप ये तीनों चीजें पढ़ लेंगे, करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि इस डिजीज से मुतालिक लिटरेचर में अभी तक क्या क्या काम हो चुका है, और
फिर साथ ही आपको पता चलेगा कि क्या काम नहीं हुआ जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये लिटरेचर सर्च बैकबोन है अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए। और इसी तरह आप कम से कम 8 से 10 आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लें और उनके आप इनिशियली एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें, इंट्रोडक्शन को पढ़ें और कंक्लूजन को पढ़ें, तो आपको उस डिजीज से मुतल्लिक मेन मेन चीजें पता चल जाएंगी और आपको एक अपने रिसर्च टॉपिक का आइडिया हो जाएगा और बहुत सारे न्यू आइडियाज आपके सामने आ जाएंगे जिनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने अपने जहन में रखना है अपने रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हुए, वो है आपके जो सेटअप है और आपके रिसोर्सेज हैं। फर्ज किया कोई आप ऐसी चीज के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं जो कि आपके सेटअप के अंदर नहीं हो रही, या बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही, या बिल्कुल ही नहीं हो रही, या बहुत कम हो रही है, तो जब आप ऐसा टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके रिक्वायर्ड टाइम के अंदर, रिक्वायर्ड आपकी रेजिडेंसी के दौरान आपका सैंपल साइज कलेक्ट ही नहीं हो सकता, तो आपको आगे जाके बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी अपनी रिसर्च कंप्लीट करने में। तो आपने टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त इस चीज को लाजमी जहन में रखना है कि जिन रिसोर्सेज के अंदर मैं काम कर रहा हूं, जिस सेटअप के अंदर मैं काम कर रहा हूं, आया उस सेटअप के अंदर ये चीज कितनी फिजिबल है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। उसकी मिसाल ऐसे है कि कोई आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डायबिटीज के ऊपर, कोई एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप अपने सेटअप पे देखते हैं तो या वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, या तो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, या वो फ्रीक्वेंटली हो ही नहीं रही, या उसको प्राइवेट लैब किसी से करना पड़ रहा है अगर आप किसी गवर्नमेंट सेटअप के अंदर हैं। तो ये चीजें कंस्ट्रेंट्स हैं, ये चीजें लिमिटेशंस हैं जो कि आपकी स्टडी को इफेक्ट करेंगी लेटर ऑन। तो इन चीजों को आपने अभी से ही जहन में रख लेना है। और इसी तरह अगर आप किसी सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर अपनी रिसर्च करना चाह रहे हैं और आपके सेटअप के अंदर वो सर्जरीज इतनी फ्रीक्वेंटली हो ही नहीं रही, कंसल्टेंट्स वो सर्जरीज कर ही नहीं रहे, तो आपके डाटा कलेक्शन में आपको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो इस चीज को आपने लाजमी जहन में रखना है। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट्स हैं, कि आपके सेटअप के अंदर उस डिजीज से मुतल्लिक क्या इतने पेशेंट्स आ रहे हैं फ्रीक्वेंटली कि आपका सैंपल साइज इजीली कलेक्ट हो जाएगा साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, जो भी आपने अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टडी रखी है। रेजिडेंट्स के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने ऐसी डिजीजेस को आप अपने रिसर्च टॉपिक में रखना है कि जिनसे मुतल्लिक पेशेंट्स काफी फ्रीक्वेंटली आपके सेटअप में आ रहे हों। फर्ज किया कि आपके सेटअप के अंदर कोलिसिस्टेक्टमी या कोलिलिथियासिस के पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो आपने अपने जो रिसर्च लिटरेचर सर्च करना है वो आपने, और रिसर्च गैप को भी आइडेंटिफाई करना है, तो कोशिश ये करनी है कि कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस, कोलिसिस्टेक्टमी, कोलिसिस्टेक्टमी ओपन वर्सेस लेप्रोस्कोपिक, तो इन चीजों में आप जब आप लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट आइडियाज मिलते जाएंगे कि आप किस पे रिसर्च कर सकते हैं। आप उसके रिस्क फैक्टर पे कर सकते हैं, कॉजेज के ऊपर अपना रिसर्च टॉपिक लिख सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं, या एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी का आउटकम देख सकते हैं और डिफरेंट जो भी कोई ट्रीटमेंट मोडेलिटी है उसकी कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेशेंट्स आपके सेटअप में क्या है। एथिक्स को आपने जहन में रखना है कि उसमें कोई एथिकल कोई इश्यू तो नहीं है, तो आपने एथिकल कंसिडरेशंस को भी लाजमी जहन में रखना है अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करते हुए। जब इन तमाम चीजों को स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड में रखते हुए टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे तो उम्मीद है आप एक अच्छा रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।